हेलो एवरीवन, तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही इजी एक ब्रेकफास्ट बताने जा रहा हूँ ब्रेड का। अगर आपको भी इसी तरह सॉफ्ट ब्रेड खाने हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो मैं स्कूल के टाइम से खाते आ रहा हूँ। उसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, ब्रेड, थोड़ी सी दूध, दूध के ऊपर का जो मलाई होता है वो थोड़ा निकाल लो, अच्छी ही। तो आइए एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ब्रेड निकालो, ब्रेड को थोड़ा सा सेक लो उसको। दोनों तरफ से इसको सेकना होता है। और ये मेरा फेवरेट है, मतलब जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरी मम्मी मेरे को स्कूल में बना के देती थी। जब मॉर्निंग सेशन हुआ करता था तब, मतलब मैं 1 से लेकर 4 तक मेरा मॉर्निंग सेशन था, तब मैं ये ब्रेकफास्ट लेके जाता था। और मैक्सिमम मैं यही वाला ब्रेकफास्ट लेके जाया करता था और वो आज भी मुझे पसंद है। मैं आज भी इसको उतने ही चाव से खाता हूँ जैसे पहले बचपन में खाया करता था। आज भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कुछ क्या खाना नहीं खाना है, ये होता है तो मैं खुद ही खा लेता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, खुद ही खाता हूँ। तो ये बहुत ही इजी है, आप भी बना लीजिए। देखिए इसको बस गर्म कीजिएगा दोनों तरफ से। ये देखिए हमारा ब्रेड बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। अब करते हैं गैस को बंद, क्योंकि हमारा इसका काम हो चुका है। अब हम लोग ब्रेड को निकालेंगे, इस पे अब लगाएंगे मलाई। ये देखिए ये दूध पे था ऊपर वाला, मैंने निकाल लिया है। थोड़ी थोड़ी मलाई लगाएंगे। मलाई के बाद इस पे छीटेंगे थोड़ी थोड़ी चीनी। इन दोनों को एक साथ रख दो, इसके ऊपर थोड़ा सा दूध गिरा दो। पहले वाले पे गिराना भूल गया था, अब पहले ही गिरा लेना। अब इसको 2 मिनट छोड़ देना। 2 मिनट छोड़ देने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। जिसको सॉफ्ट में खाना पसंद है, मुझे पूरा सॉफ्ट ब्रेड पसंद है, तो मैं इसको 2-3 मिनट बाद खाऊंगा, क्योंकि वो एकदम स्पॉन्जी हो जाता है और आप अगर ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को टिफिन में दीजिए, खुद भी खाइए। बहुत टेस्टी और हेल्दी है, बहुत फास्ट और इजी भी बनता है। थैंक यू।